वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें आप UPSC से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे अब पॉलिटी स्टार्ट की गई है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आसानी से आपको सारे वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिए, दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं GS सेक्शन कवर कर रही हूँ, वो भी क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं UPPCS की, RO री एग्ज़ाम की, या फिर अपकमिंग और भी न्यू वैकेंसीज हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, MPPSC है, या UPPCS 2025 के लिए भी आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। कम समय में सारा स्टडी मटीरियल आपको मिलेगा, करंट अफेयर, GS, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सभी अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कीजिए और आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। कुल 150 प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज में सॉल्व कर चुके हैं, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। ये क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए है कांगड़ा, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है कच्छ और ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट देखिए, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। सेकेंड स्टेटमेंट है, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका अर्थात PIL के जनक में से माने जाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको ऑप्शन देख के बताना है। और इसमें आप उत्तर सही करेंगे ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है। ये जो VR कृष्ण अय्यर हैं, इन्हें माना जाता है कि PIL के जनक में से एक हैं। लेकिन ये न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर सबसे पहले केरल जो हाईकोर्ट है वहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद ये जो उच्चतम न्यायालय है इसके न्यायमूर्ति भी रहते हैं, लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहते, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। पहला 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया है, सेकंड 91st है और ऑप्शन सी है 92nd, या फिर ऑप्शन डी है 93rd। इसमें आप आंसर राइट करेंगे ऑप्शन सी, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2003 में, जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये चार भाषाएं जोड़ी गई थी। आप इसको BDMS करके याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखिए जो 8वीं अनुसूची है ये भाषा से रिलेटेड है, इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी। इसके बाद सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भाषाओं में होता है वो 21st था, जिसके जरिए से 1967 में आप देखेंगे इसमें सिंधी भाषा ऐड की गई, ठीक है। फिर उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसके जरिए से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीन भाषाओं को ऐड किया गया। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। तो ये तीन कब ऐड करी गई? 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। पहला संविधान संशोधन 21वां हुआ 8वीं अनुसूची में, 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। और तीसरा ये अमेंडमेंट हुआ था 92nd 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली चार भाषाओं को ऐड किया गया। तो इसको आप रख लीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 154th क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उपबंध दिए गए हैं, दोनों उपबंध को पढ़िए, स्टेटमेंट वाइज दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दोनों या फिर कोई नहीं। इसमें आप राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है कि राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए
कोई व्यक्ति अगर पात्र होगा तो उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 सदस्यों से होगी और मिनिमम कितने होंगे 60। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट दिया गया था, ऑप्शन बी राइट होगा। 155th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल हैं? पहला है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, और सेकंड स्टेटमेंट है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। इनमें से कौन सा है उत्तर सही, जिसमें आपको नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, पहला, दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, ये एक तरह का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 23 में दिया गया है। तो आर्टिकल 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं, मौलिक अधिकार में, जबकि आर्टिकल 47 में दिया गया है राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और इसी में दिया गया है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास भी करेगा। तो ये एक तरह का नीति निदेशक तत्व है, ऑप्शन बी राइट होगा। पहला स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दिया गया था क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 या फिर ऑप्शन डी है 9। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 अनुसूची में। 157th क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण और वन मंत्रालय, इनमें से बताना है, और इसमें आप करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, ये गृह मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन सी है विद्युत मंत्रालय और फिर ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसमें आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय। अगला प्रश्न है 159th नंबर का है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, ऑप्शन सी पर्यावरण एवं वन मंत्री या फिर ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, इसमें आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। पहला है, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का भी प्रशासक होता है, इनमें से आप कौन सा आंसर राइट करेंगे? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो, करेंगे ऑप्शन ए, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है, सही दिया गया है, लेकिन केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है, ये गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 161st क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट बताने कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, इसमें आप करेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना दूसरा। भारत में जो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो जो महाधिवक्ता होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है इसमें देख लीजिए, ये भी गलत दिया गया है, जो महाधिवक्ता होता है राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह कार्य करता है, अर्थात जो सलाह देने का कार्य है विधि से संबंधित, वो चाहे राज्य का कोई भी सदन हो, विधानसभा या विधान परिषद, दोनों सदनों के लिए ये कार्यवाही में तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है, केवल मतदान नहीं कर सकता। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी आप राइट करेंगे। अगला प्रश्न भी देखिए, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बम्बई और ऑप्शन डी है दिल्ली, इसमें आप आंसर करेक्ट करेंगे ऑप्शन बी मद्रास। अगला प्रश्न देखिए,
163rd क्वेश्चन है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है, एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश डिग्री मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। सेकेंड स्टेटमेंट है, विवाह संबंधी या फिर पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दोनों या फिर कोई नहीं? इसमें आप करेक्ट करेंगे आंसर ए, ऑप्शन ए, जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट की दिया गया है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि विवाह संबंधी या पारिवारिक विवाद ये भी लोक अदालत में सम्मिलित होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट। 164th क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला देखिए, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। और सेकेंड स्टेटमेंट है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। ऑप्शन ए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें आप करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, ना पहला स्टेटमेंट सही है ना दूसरा। भारत के संविधान में जो समस्त कैबिनेट मंत्री हैं ये अनिवार्य नहीं है, लोकसभा के ही सदस्य होंगे, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। और केंद्रीय कैबिनेट जो सचिवालय संसद कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में गठित हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट है, CAT के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाते हैं। ऑप्शन देना है, अभियुक्त कथनों में से बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसमें आप करेक्ट करेंगे ऑप्शन बी, केवल दूसरा। इसमें पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी जो स्थापना होती है वो राजीव गांधी की सरकार में होती है 1985 में, ना कि लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, CAT के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो आज के हम लोगों ने ये पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को देखा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका इन वीडियोस को लेकर के या अदर क्लासेस को लेकर के कोई सुझाव है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी पिछली प्लेलिस्ट है उनको भी फॉलो करते रहिए, और मैं एक नया वीडियो आपके लिए देने वाली हूँ। आप सभी लोग कमेंट करते रहते हैं कि मैम स्ट्रैटेजी बताइए कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर आप जो भी बच्चे मुझे कमेंट करते रहते हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, मैं उनके लिए भी बताऊँगी कि कौन कौन बच्चे हैं जो डेली कमेंट कर रहे हैं, डेली मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं डेली आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और आप लोग को नेम नहीं लेती इस क्लास में क्योंकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी, बहुत जल्द ही वो आएगा, मैं उसका टाइम बता दूंगी आपको। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो दोपहर वाली क्लास है उसको भी फॉलो करते रहिए, वो भी क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, GS सेक्शन आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करते रहिए, और अदर क्वेश्चन के नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।